सो स्टूडेंट नॉलेज सी अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 के एग्जांपल। सबसे पहले एग्जांपल्स को हम करके देखेंगे। यू नो व्हाई? क्योंकि हमारे अगर हम एग्जांपल्स कर लेते हैं तो चैप्टर्स करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। सो स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम एग्जांपल नंबर 4 करेंगे। यू नो एग्जांपल नंबर 4 इज सेम है, वी हैव टू फाइंड द रूट्स मीन सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं इक्वेशंस के, जो इक्वेशंस गिवन है। ओके, दैट्स टू इजी, जस्ट लाइक एग्जांपल नंबर 3। सो हियर वी विल राइट डाउन हियर 6x² - 8x - 2 = 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं मीन सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। जस्ट लुक हियर, आई टोल्ड यू क्या करना होता है, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करना होता है। उससे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। a क्या है 6, एंड व्हाट इज c 2, तो 6 2 = 12। अब हम 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 = 12 2 3 = 6 3 1 = 3। ये 2 2 and 3, ये 2 2 and 3 जो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने फाइंड आउट किया, ओके, इसी के हेल्प से हमें यहाँ पे लाना है -6। मीन्स मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करने हैं टू पार्ट्स में। तो जस्ट लुक हियर, 2 2 = 4 and here 3। 4 में से अगर आपने 3 को माइनस कर दिया क्या आएगा, मीन्स 4 x है ना यहाँ पे। सो 4x में अगर हमने 3x को माइनस कर दिया व्हाट विल कम, -6। अंडरस्टूड? सो सेम वे विल राइट डाउन हियर 6x² - x को हम स्प्लिट अप करेंगे टू पार्ट्स में, -4x and +3x, 4 + 4 and -3, sorry, -4 and +3, -4x and +3x, what will be -6, and -2 = 0. Now look here, अब हम pairing करेंगे, you know what, 6 और 4 will go, ठीक है, यहाँ पे हम जस्ट लिख कर देखते हैं, वी विल टेक कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन इज 2 एंड x इज ऑल्सो, सो 2 3 = x 3x 2 2 = 4 2x ऑलरेडी क्रॉस्ड। ओके, यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, हमें सेम लाना होता है, सेम जो हमारे ब्रैकेट में है सेम एज इट इज वी हैव टू ब्रिंग हियर। यू नो यहाँ पे हम कोई मीन्स कोई कॉमन नहीं लेने वाले हैं, बिकॉज देर इज नो एनी नंबर दिस इज कॉमन, कॉमन कुछ है नहीं, हम सिंपली 1 लेंगे, 1 कॉमन है, 3x - 2 = 0। ओके, नाउ मैंने जस्ट आई हैव टोल्ड यू दैट हम बाहर बाहर वाले नंबर सबसे पहले रिटर्न करते हैं, 2x + 1, देन इन दो ब्रैकेट में से किसी एक नंबर को रिटर्न करेंगे, 3x - 2, मीन्स दो ब्रैकेट वाले में से एक ब्रैकेट को हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 0। नाउ 2x + 1 = 0 सेपरेट करेंगे, 3x - 2 = 0, 2x = -1, x = -1/2. Similarly, x = 3x = 2, x = 2/3. Okay? Hence, we can say that we have to find roots, हमें roots find out करने हैं, और ये दोनों roots ही हैं. Okay? So, -1/2 and 2/3. Hence, -1/2 and 2/3. Are the roots of 6x² - x - 2 = 0. Okay, -1/2 and 2/3. Okay, given equation 6x² - x - 2 के क्या है, roots है, mean solution है. Understood? As much me? Go on practicing it. It's too easy. Hello everyone, this is Nushat and welcome back to my YouTube channel Engi Edukia. सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के एग्जांपल नंबर 5। लेट्स सी व्हाट इट सेज। यू नो हियर इट सेज फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6x + 2 = 0। सेम वे हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, जो इक्वेशंस गिवन है उनके रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, मींस सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? तो जस्ट कम विद मी। सबसे पहले हम इक्वेशन को रिटर्न करेंगे, 3x² - 2√6x + 2 = 0। बेसिकली हमें करना क्या होता है,
इक्वेशंस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करना क्या होता है, सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करते हैं. ओके, हमें लाना है 2√6x. 2√6x कैसे लाएंगे, जस्ट सिंपल, वेरी सिंपल. 2√6x है, √6x कितना हुआ, 2√6x. सो वी विल राइट इट लाइक दिस, √6x माइनस √6x मींस हियर ये 1√6x 1√6x कितने हो गए, 2√6x. ओके, प्लस 2 = 0, ये हमारे मिडिल टर्म स्प्लिट अप हो गए. नाउ वी विल टेक कॉमन, हम दोनों को कॉमन मींस पेयरिंग करते हैं. सबसे पहले पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करने के बाद हम दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है. ओके, इसमें कॉमन हम लेते हैं √3. क्या, √3. अब हम 3x² को √3 से डिवाइड करेंगे. दस लुक किया, √3 और x भी कॉमन है, दोनों में x है. दस लुक किया, x क्रॉस्ड, सिंपल x इज लेफ्ट, क्या बचा हमारा 3x बाय √3. अब हम इस √3 को रेशनलाइज करेंगे, अंडरस्टूड, 3√3x. हियर √3 × √3 व्हाट विल बी √9, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3. 3 को क्रॉस करेंगे, क्या आया हमारा √3x. आंसर इज √3x. हम यहां पे रिटर्न करेंगे √3x. आया समझ में ना, √3x माइनस √3x, √6x को डिवाइड करेंगे वंस अगेन √3x से. दिस लुक हियर, √6x डिवाइडेड बाय √3x, xx कॉस्ट √3 बन जाए √3, √3 टू जा √6, क्या आया 2. सो वी विल राइट ऑन हियर 2. सिमिलरली यहां पे हम कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन है, √2. दिस देखते हैं, √6x को हम √2 से डिवाइड करके देखते हैं, √2 मींस 2 × 3 = 6. सो √2 × √6. तो यहां पे क्या, अगर हम √2 कॉमन लेते हैं क्या आएगा, √3. और सिर्फ √2 कॉमन लेने हैं, x नहीं, क्योंकि x दोनों में नहीं है. ओके, वी गॉट हियर √3x. नाउ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. नाउ अब हम 2 को √2 से डिवाइड करके देखते हैं. दिस लुक हियर, रेशनलाइज करेंगे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √4. √4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2. सो 2 क्रॉस्ड, व्हाट इज लेफ्ट, √2. क्या बचा हमारा, 2 को 2 से हम इस लुक किया, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2. √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √4. √4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2. सो 2 को 2 से क्रॉस करेंगे, 2 × 2, व्हाट इज लेफ्ट, √2. क्या आया, √2. क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, √2 को √2 से क्रॉस किया, सो √2 बोथ शुड बी सेम, यहां 2 है यहां √2 है, सो इट्स रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग. जस्ट लुक हियर, √3 को हमने √6 से डिवाइड किया, क्या आएगा, जस्ट लुक हियर, √6 को हमने डिवाइड किया √3 से, क्या आएगा, xx क्रॉस √3 × √6, √2 आ रहा है यहाँ पे, √2, यहाँ भी √2 है, = 0. नौ हमारे ब्रैकेट के बाहर वाले जो नंबर है उससे हम एक साथ रिटर्न करेंगे √3x माइनस √2, एंड इन दोनों ब्रैकेट वाले में से एक ब्रैकेट को हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे √3x माइनस √2 = 0. नौ √3x माइनस √2 = 0. सिमिलरली हेयर ऑल्सो सेम है, √3x माइनस √2 = 0. √3x = √2, हेंस x = √2/√3. इस तरह से कर सकते हैं, √2/√3. हियर √3x सेम वे है √2, हेंस x = √2/√3. अब आप इसे इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं, यू नो व्हाट, √therefore x = √2 एंड 3 को हम सेम टुगेदर रिटर्न कर सकते हैं लाइक दिस, x = 2/3 √over, लाइक दिस, इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं. यहां पे therefore
x इक्वल्स टू रूट टू बाय रूट थ्री को हम एक साथ रीडिंग कर सकते हैं टू बाय थ्री अंडर रूट, या टू बाय थ्री अंडर रूट और टू बाय थ्री अंडर रूट, बोथ आर सेम, दोनों इक्वेशन सेम है, सो बोथ आर आंसर विल बी सेम. हेंस वी कैन से दैट टू बाय थ्री अंडर रूट, ओके, टू बाय थ्री रूट ओवर मीन्स टू बाय थ्री अंडर रूट एंड टू बाय थ्री अंडर रूट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. हेंस root 2 by 3 and root 2 by 3 are the roots of 3x square minus 2 root 6x plus 2 equals to 0. इस equation के roots क्या है? root 2 by 3 and root 2 by 3 are the roots of the given equation. As समझ में? One practicing it, I'll meet you in my next video.